जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रिया जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के सभी अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उसको देखेंगे, प्रश्न को और उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और किसी प्रकार की समस्या होता है, आपको पीडीएफ चाहिए होता है, तो अपना एग्जाम का भी उसको आप पीडीएफ लिख कर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं कैसा कैसा आपका पला देखने को मिला था। तो पला प्रश्न दोस्तों आपका हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है कि पला प्रश्न पूछा गया था आपका कि आत्मारक पांडुरंग ने कौन से समाज की स्थापना की थी। प्रश्न आपका ये था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्मारक पांडुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मारक पांडुरंग 1823 से 1898 में भारत के एक चिकित्सक और समाज सुधारक थे, उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती है, तो आपका उसका सही उत्तर दोस्तों आपका दामोदर नदी हो जाएगा। दामोदर नदी का जो स्रोत होता है छोटा नागपुर पठार झारखंड में पलामू की पहाड़ियाँ, और इसका जो मुख्य हुगली नदी और रूपनारायण नदी है, तो हुगली नदी रूपनारायण नदी को याद रखिएगा। सही उत्तर तो आपका ऐसे दामोदर नदी था। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि आपका कि अंगूठा और मध्य उंगली के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो अंगूठा और मध्य उंगली के बीच दोस्तों कोण की बात करें तो आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन में भी आपका था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि धारा को तिगुना और विभवांतर को दुगुना कर देने पर कितना पावर बढ़ जाएगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6 गुना हो जाएगा। धारा को जब तिगुना विभवांतर को दुगुना करेंगे तो आपका जो पावर है वो 6 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कितनी सेंटीमीटर से वर्षा होती है, आपका एवरेज पूछा गया था, तो विश्व वन निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के को या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, एक प्रकार का वन माना जाता है, और विषुवतीय सदाबहार ट्राई वन भी कहा जाता है। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम समान वार्षिक वर्षा है जो कि 175 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो 175 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन में होगा सही होगा, या आपका इंच में भी होगा तो 69 इंच से लेकर 89 इंच तक आपका वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आपका होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि तमिल भाषा को कब अपनाया गया था या शास्त्रीय भाषा में अपनाया गया था, तो इसका जो आपका सही आंसर था 2004 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यह भारत का तमिलनाडु राज्य की प्रशासनिक भाषा है, यह पहली ऐसी भाषा है जिसमें 2004 में भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और तमिल द्रविड़ भाषा परिवार और भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती है। इस भाषा का इतिहास कम से कम 3000 वर्ष पुराना है, तो आपका 2004 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि मार्च 2022 में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में किसने प्रवेश किया था, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया ओपन 2022 के फाइनल में विश्व चैंपियन लोह किन यू को धूल चटा दिया था, तो आपका ओवरऑल लक्ष्य सेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, तो ये दोस्तों आपका पाक जल डमरू मध्य है। भारत के राष्ट्र तमिलनाडु और द्वीपीय राष्ट्र के श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में एक स्थित जल सुरंगी है, यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ आपका जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव कितने वर्ष का होता है, तो आपका दोस्तों 5 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव जो या पंचायत का चुनाव आपका 5 वर्ष का ही होता है, चाहे सरपंच हो या कोई भी हो, आपका पंचायत का चुनाव 5 वर्ष में ही फिर से होता है। अगला दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आपका लागू किया गया था, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसको MNP भी कहते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 के बीच आपका हुआ था, पहले वर्ष में पेश किया गया था, तो आपका पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जा सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। 5वीं पंचवर्षीय योजना का डेट भी आप याद रख लीजिएगा, गरीबों उन्मूलन रोजगार और न्याय पर केंद्रित है, तो आपका 1974 से 1989 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू किया गया था, तो ये योजना दोस्तों 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था, जिसे 2007 से 2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया है, और 1 अप्रैल 2008 तक अंतर भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा, तो 2 फरवरी 2006 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों मरु फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दोस्तों आपका जैसलमेर बिल्कुल राइट आंसर था। ये प्रश्न आपका घुमाव था, लेकिन आपका जो आंसर था आपका जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्सव के दौरान कई कल्चर इवेंट भी होता है, राजस्थान जैसलमेर में मरु महोत्सव के साथ रेगिस्तान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर दर्शन का बेहतरीन अवसर है। यह 13 से 16 फरवरी 2022 तक विख्यात मरु उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो जैसलमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा था या अनुपयोग पूछा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो मुख्य उपयोग हम बता देते हैं, इसका जो मुख्य उपयोग होता है आपका शल्य चिकित्सा में होता है, हड्डियों को जोड़ने में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। हमने आसपास में देखा होगा किसी हड्डी को टूट जाने पर उसकी टूटी हुई जगहों पर सफेद पदार्थ से लपेटा जाता है, उसे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। और दूसरा उपयोग इसे मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, साबुन से रिलेटेड आपका सारा प्रश्न, साबुन में इसका यूज़ किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका इसका आंसर क्या था। अगला दोस्तों आपका टी आर माधवन के बेटा टी माधवन
से भी रिलेटेड प्रश्न था कि टीम आठवन आपका राइट आंसर था। तो दानिश ओपन 2022 में दोस्तों आपका टीम आठवन है जो कि दोस्तों आर माधवन का बेटा है, वो सिल्वर के बाद स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपका दानिश ओपन 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आपका टीम आठवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अवतल दर्पण के सामने नली के अंदर वस्तु को रखने पर दोस्तों काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कर्मकांड से संबंधित बातें किस वेद में की गई है, तो ऋग्वेद के प्रथम अग्नि मंडे पुरोहितों में दोस्तों यह कर्मकांड का पद आया है, अतः यह सिद्ध होता है कि वेद प्राचीन कर्मकांड है, वेद में वेद से भी प्राचीन कर्मकांड है, तो आपका ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। कर्मकांड वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग है, कर्मकांड से ही समस्त मनुष्यों की कामनाएं सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 6वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो दोस्तों आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों इसमें नया अनुच्छेद 21 ए भी जोड़ा गया था जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राज्य को 6 से 14 साल के बच्चों तक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है, संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत मृत्यु कितनी राशि मिलती है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बैंक या डाकघर से सेविंग अकाउंट रखने वाले को दोस्तों 18 से 15 साल के लोगों को किसी वजह से मृत्यु होने में दोस्तों 2 लाख का बीमा कवर आपका मिलता है, तो 2 लाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि DRDO और किस IT संस्थान ने मिलकर वैज्ञानिक संशोधन कर रहा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था आपका IIT दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों पादपों में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस तरह का भी आपका प्रश्न आया था, तो इसका आपका ऑप्शन मालूम होगा तो कॉमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कानून के विषय में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, एडवोकेट होता है, तो ये दोस्तों प्रश्न क्लियर नहीं है, प्रश्न आपके पास क्लियर है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि लचीली अस्थियाँ कौन सी होती है, तो आपका पास्टी ऑप्शन में था, तो पास्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आय से अधिक खर्च हो जाता है देश में तो किसमें आएगा, आपका उपास ऑप्शन दिया गया था राजस्व घाटा वित्तीय विवरण, तो इस तरह का भी प्रश्न आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्व घाटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आय से अधिक दोस्तों आपका खर्च हो जाता है देश में तो दोस्तों आपका राजस्व घाटा से संबंधित आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपका फ्लोरीन से कुछ पूछा गया था, आपका फ्लोरीन से रिलेटेड प्रश्न की कौन सा क्रियाशील है अक्रियाशील है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका द्वीप स्थापन अभिक्रिया से भी रिलेटेड प्रश्न आया था कि कौन सा जो रिएक्शन है आपका द्वीप स्थापन अभिक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, और भी प्रश्न आपके पास मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा, और जो जो प्रश्न आपका इसमें छूट गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल ही हम लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर को पूरा किया है, छोटा सा मालिश नहीं लेकिन पूरा किया है, जल्द ही हम लोग 10000 सब्सक्राइबर के और बढ़ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग 10000 सब्सक्राइब करके बढ़ा दीजिए। जो लोग नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।